तो अपनी जो लाइन है वो ये पॉइंट जो से पास है और किसके पैरेलल है, कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल है। मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल ये अगर से 2 है तो ये लाइन क्या है हमारी, यहां पे ये लाइन x = 2 और ये लाइन किसके पैरेलल है, y एक्सिस के पैरेलल है। अगेन y = 3 मतलब वो लाइन भी थी इट इज पैरेलल टू, इट इज पैरेलल टू कौन से एक्सिस, x एक्सिस। और यहां पे ये पॉइंट हमारा 2 कॉमन। तो यहाँ पे ऐसे दो लाइन्स पे एक लाइन में अगर से पॉइंट टू का तीन में से पास है तो एक लाइन क्या मिली, एक्स इज इक्वल टू टू एक्स एक्सिस पे, और तीन मतलब ये क्या है, वाई इज इक्वल टू थ्री इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो इसके मतलब दो लाइन्स में देखो द जॉइंट इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ लाइन पासिंग through the point, passing through the point, what's the point with it, 2 comma 3 and parallel to coordinate axis is, and parallel to the coordinate axis is, and parallel to coordinate axis is, क्या मिलेगी दो इक्वेशन, एक इक्वेशन मिले x is equal to 2 and अच्छा ना x is equal to 2 क्योंकि एक y एक्सिस को पैरेलल है और दूसरी लाइन क्या मिली, y is equal to 3 जो x एक्सिस को पैरेलल है, y is equal to 3 ऐसे दो लाइन मिली। इसको फर्दर सॉल्व करने से x is equal to 2 मतलब x minus 2 equal to 0, y is equal to 3 मतलब y minus 3 equal to 0। तो देखो इनके जॉइंट इक्वेशन मतलब क्या, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू 0, x minus 2 into y minus 3 equal to 0। तो मल्टीप्लाई फर्स्ट एलिमेंट इट यूज एक्स वाई माइनस थ्री एक्स माइनस टू वाई माइनस वन इज बिकम प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो एंड आई थिंक दिस इज द लास्ट इक्वेशन और इज द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, दिस इज नथिंग बट इट इज योर कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, 3 एंड नाउ दीज लाइन्स आर पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। जैसे कि ये लाइन x इज इक्वल टू 2 में से पास है, मतलब x से 2 में से पास है तो ये लाइन होगी x इज इक्वल टू 2, और ये 3 में से पास है मतलब लाइन क्या होगी, y इज इक्वल टू 3, और ये किसके पैरेलल है, x एक्सिस के। मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है, एक तो ये 2, 3 में से पास है और दूसरा मतलब क्या है, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस को क्या है, पैरेलल है। ये लाइन y एक्सिस के पैरेलल है और ये लाइन x एक्सिस के पैरेलल है। तो कितने लाइन्स मिले, ये कोऑर्डिनेट 2 लाइन्स आते हैं। That is first line is the x is equal to 2, this line, and second line is the y is equal to 3. So further solving is what, x minus 2 equal to 0 and y minus 3 equal to 0. Both of the joint equation equal. Okay, here again solve. So question number 3 में क्या important है? पहले तो question में already lines दिए हुए थे, तो दोनों का अपन joint equation मतलब already ये lines ऐसे दिए हुए थे, फिर उसका खाली अपन दोनों का multiplication equal to 0 करके हमने क्या निकाले थे उसका joint equation और combined equation। अब आगे आने वाले जो questions हैं 3, 4, 5 इसमें सबसे पहले हमको इसे lines निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद उसका joint equation लेना पड़ेगा। Is that clear? ये वो आया क्या समझो? Question क्या था? कि combined equation या फिर joint equation निकालने का, जो कि 2, 3 में से ऐसे दो lines जो 2, 3 में से पास है और वो किसके parallel है, coordinate axis के। तो हमें ये समझ में आना चाहिए कि 2, 3 में से पास है, इसका मतलब ये x का कितना मिला तुमको, 2 मिल गया, ये लाइन x इक्वल टू 2 होगी और दूसरी लाइन क्या होगी तुम्हारे पास, y इक्वल टू 3 इसमें से। तो अभी दोनों का जॉइंट इक्वेशन लेने का है, x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 3 को फर्दर सॉल्व करने के बाद x माइनस 2 इक्वल टू 0 y माइनस 3 इक्वल टू 0 दोनों का जॉइंट इक्वेशन मल्टीप्लीकेशन लो, ये बॉन्ड द इक्वेशन आता है। इज दैट क्लियर? आई फॉर नो यस टेल मी नाउ। पॉइंट
passing through 2, 3, 2, 3 में से पास है एंड परपेंडिकुलर टू द लाइंस एंड परपेंडिकुलर टू द लाइंस एंड परपेंडिकुलर टू द लाइंस एक लाइन है 3x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड दूसरी लाइन में x माइनस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0 x माइनस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0 व्हाट इज द क्वेश्चन आस्किंग दोनों को मिला के पढ़ो फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लाइन कंबाइंड इक्वेशन निकालो ऐसे लाइंस की जो कि अगेन 2, 3 में से पास है मगर ये जो है परपेंडिकुलर है ये दो लाइंस को ये दो लाइंस को क्या है परपेंडिकुलर है सबसे पहले तुमको ये कांसेप्ट मालूम है व्हाट इज द कांसेप्ट क्लियर व्हेनेवर द टू लाइंस आर परपेंडिकुलर है ना अब ये एक लाइन है और ये एक लाइन है जब भी ये दो लाइंस एक दूसरे को परपेंडिकुलर है एल वन एल टू तो उस टाइम पे ये लाइन का स्लोप और ये लाइन का स्लोप दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट एम वन इंटू एम टू इज इक्वल टू कितना रहता माइनस वन कैसे बताया वाला है व्हेनेवर द टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन द प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ये लाइन का स्लोप का प्रोडक्ट एम वन और ये लाइन का स्लोप दोनों का प्रोडक्ट कितना रहेगा पूछा माइनस वन तो अब यहाँ पे ये कंसेप्ट यहाँ पे यूज करेंगे अपन कि हम अपन ऐसा कैसे करेंगे सिर्फ पिछले बारी जो ऐसा है क्वेश्चन कि यहाँ पे आपके जो लाइन्स है 2, 3 में से पास है मतलब वही सेम कंडीशन है ये देखो माय ग्राफ 2, 3 मतलब अंदर दे यहाँ पे ये इसमें से अपने लाइन्स पास है सेम मार इसे बार कर सकता हूँ एक्सिस ओरिजिन और ये हमारा एक्स एक्सिस और ये पॉइंट एम से पास है 2, 3 में से इसका नाम जो एल वन इसका नाम जो ये लाइन का नाम जो एल ठीक है तो अब ये लाइन में से पास है मगर एल वन जो है एल वन पासिंग टू द परपेंडिकुलर टू द लाइन्स एल वन ये लाइन के परपेंडिकुलर है और एल टू ये लाइन के परपेंडिकुलर है तो इस टाइम पे हम क्या निकालेंगे पहले शुरू फिर लाइन एल वन जो है पी ऑफ 2, 3 में से पास है अगर से ये लाइन एल वन का हमको स्लोप मिल गया ये लाइन का अगर से हमको स्लोप मिल गया एम वन तो हम स्लोप पॉइंट फॉर्म का यूज करके क्या करेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन एल वन निकालेंगे उसी तरीके से लाइन एल टू का भी पासिंग थ्रू द पॉइंट पॉलोमेंट ये 2, 3 में से पास है अगर से किसी प्रकार से हमको ये लाइन का भी स्लोप मिल गया तो स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज करके हम क्या करेंगे लाइन एल टू की इक्वेशन निकालेंगे क्वेश्चन आया समझ में देखो हमारे जो लाइन्स है यहाँ पर बताना एक बात की थी तुम्हारे और ये अपने जो लाइन्स है वो लाइन्स 2, 3 में से पास है गंदा से एक की दो और यहाँ पे तीन समय जिसको ये पॉइंट में से पास है ये अपने लाइन्स है These are our lines, this one. They are passing through the point 2, 3. मगर यहाँ पे ये समझो लाइन L1 है, ये लाइन L2 है. तो अब हमको दोनों को जॉइंट इक्वेशन निकालने का है L1 और L2 का तो सबसे पहले हमको क्या मालूम होना चाहिए इक्वेशन ऑफ लाइन L1 मालूम होना चाहिए और उसके बाद क्या मालूम होना चाहिए इक्वेशन ऑफ लाइन L2. जब ये दोनों लाइन्स के इक्वेशन मिलेंगे तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना लेंगे अपन तो सबसे पहला काम हमारा सबसे पहला प्रेफरेंस ये एल वन की इक्वेशन निकालना तो एल वन की इक्वेशन निकालने के लिए सबसे पहले एल वन जो है इस एल वन इज पासिंग थ्रू द पॉइंट पी ऑफ 2, 3 पी ऑफ 2, 3 में से पास है तभी अगर से हमको एल वन का स्लोप मिल गया एम वन तो स्लोप पॉइंट फॉर्म का यूज करके हम क्या निकाल सकते हैं लाइन एल वन की इक्वेशन उसी तरीके से लाइन एल टू जो है ये पी ऑफ 2, 3 में से पास है तभी हमको इसका स्लोप एम टू मिल गया तो स्लोप पॉइंट फॉर्म का यूज करके हम क्या करेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन एल टू निकालेंगे और हम फिर इसके बाद दोनों का क्या करेंगे जॉइंट इक्वेशन लेंगे एल इज इक्वल टू जीरो आवर फर्स्ट प्रायोरिटी इज दैट वी इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ एल वन एंड इक्वेशन ऑफ एल टू अब वो कैसे निकालेंगे स्लेट नाउ हाउ टू फाइंड दैट वेरी सिंपल वन सो ये फर्स्ट अब देखो ये 2, 3 में से पास है और ये लाइन अपन सबसे पहले एकदम सिस्टम को रहता लेट एल वन एंड एल टू इसका नाम दिया अपने लेट एल वन एंड एल टू दीज आर टू लाइन्स
is the two lines perpendicular to the lines, दो लाइन्स है, इधर टू लाइन्स पासिंग थ्रू कैनल कैपेसिटी 2.3 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन्स, इसको परपेंडिकुलर ये लाइन्स को, एक लाइन है बी एस प्लस टू वाई माइनस वन इक्वल टू जीरो एंड दूसरी लाइन है, ठीक है, तो हमें नाम दे सकते हैं एल वन और एल टू, ऐसे दो लाइन्स है जो कि 2.3 में से पास है और जो कि ये दो लाइन्स को परपेंडिकुलर है, पहली लाइन है 3x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0 और दूसरी लाइन है x माइनस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0। तो अब एल वन हम क्या करने का है, एल वन की इक्वेशन निकालने का है, तो पहली लाइन एल वन की इक्वेशन निकालने के लिए एल वन 2.3 में से पास है, अगर से L1 का स्लोप मिल गया तो स्लोप पॉइंट फॉर्मूला का यूज करके हम क्या निकालेंगे इक्वेशन ऑफ L1। सो हियर सबसे पहले ये लाइन का स्लोप करो, स्लोप ऑफ लाइन दोनों लाइन का स्लोप 3x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड x माइनस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0 r, ये दोनों का स्लोप करो कितना मिलेगा, ये लाइन का स्लोप कितना मिला r माइनस ए वाई के ना स्लोप का फॉर्मूला, माइनस ए वाई मतलब कितना माइनस 3y 2 एंड ये लाइन का स्लोप कितना मिला माइनस 1 अपॉन माइनस 3, माइनस 1 अपॉन माइनस 3 मतलब कितना 1 बाई, देखो अब इसको समझ में आया कंसेप्ट, उसमें समझ के रखो, मैंने इससे पहले तुमको बताया हुआ है कि ये लाइन जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन है, मैंने तुमको बताया वाला है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, इसका स्लोप का फॉर्मूला रहता माइनस ए बाई बी, तब इसको कंपेयर करो, यहाँ पे x का पोजीशन कितना है 3 माइनस फॉर्मूले का और b मतलब कितना है 2, इसलिए ये लाइन का स्लोप कितना मिला माइनस 3/2, ये फॉर्मूले के हिसाब से जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन का स्लोप का फॉर्मूला m इज इक्वल टू माइनस ए बाई बी, इस कारण से ये माइनस से देखिए माइनस, यहाँ पे a मतलब कितना है 3 और b मतलब कितना है 2, ये लाइन का स्लोप कितना आ गया पहली लाइन का माइनस 3 बाई, ये लाइन भी कौन सी जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन, तो यहाँ पे इसका स्लोप का फॉर्मूला भी सही, ये माइनस फॉर्मूले का है, ए मतलब एक्स का कोएफिशिएंट कितना है 1 और बी मतलब वाई का कोएफिशिएंट मतलब कितना है माइनस 3, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 3 कितना है 1 माइनस 3, इसके समझ में आया, फिर सबसे पहले हमने स्लोप ऑफ लाइन ये दो लाइन का स्लोप निकाले तो कितना है माइनस 3/2 एंड 1/3। अब उसके बाद और एक कंसेप्ट, जैसा अपने यहाँ अभी बताया कि ये जो L1 L2 है, ये L1 L2 ये दोनों लाइन्स को कैसे है परपेंडिकुलर है, इसको भी परपेंडिकुलर है, इसको भी परपेंडिकुलर है, मैंने अभी बताया जब भी दो लाइन्स परपेंडिकुलर है तो इनका स्लोप कैसा m1 into m2 is equal to minus 1, मतलब इसका स्लोप अगर से माइनस 3/2 है तो उसका स्लोप क्या आएगा इसका उल्टा, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल देखो या तुमको पहले मैं समझा गया था ध्यान देखेंगे अपन, जैसे कि L1 परपेंडिकुलर L1 इसके परपेंडिकुलर है, ये लाइन के परपेंडिकुलर है, इसका स्लोप कितना है L1 परपेंडिकुलर टू दिस लाइन 3x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0, इसके स्लोप के परपेंडिकुलर, तो जब भी दो लाइन परपेंडिकुलर है, लाइन L1 की इक्वेशन है, लाइन की इक्वेशन है और ये 3x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0 भी एक इक्वेशन है, दोनों लाइन की इक्वेशन है, दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, इसका मतलब स्लोप ऑफ लाइन L1 इनटू स्लोप ऑफ ये लाइन का स्लोप, स्लोप ऑफ दिस लाइन इज इक्वल टू कितना माइनस 1, तो तुमको क्या मिलेगा L1 का स्लोप जो है, तो समझो अपन लीजिए नाम M1, M1 का स्लोप क्या, L1 का स्लोप क्या मिलेगा माइनस 1 अपॉन स्लोप ऑफ दिस लाइन, तो ये स्लोप इसका कितना है माइनस 3/2, उल्टा करेंगे तो कितना है 2/2, एकदम से समझना चाहिए कि L1 जो है लाइन L1 अगर से ये लाइन को परपेंडिकुलर है, इफ लाइन L1 इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, तो L1 का स्लोप कितना रहेगा इसका उल्टा माइनस 1 अपॉन ये लाइन का स्लोप मतलब माइनस 3/2, तो उल्टा करेंगे तो कितना मिलेगा माइनस माइनस बिकम प्लस, 3/2 का उल्टा कितना मिलेगा 2/3, तो L1 का स्लोप कितना मिला 2/3। सिमिलरली अपने जो L2 है ये लाइन को परपेंडिकुलर है उसका स्लोप कितना है 1/3, तो डायरेक्ट क्या करेंगे परपेंडिकुलर होने की वजह से डायरेक्ट क्या करेंगे माइनस 1 अपॉन ये लाइन का स्लोप,
तो माइनस वन अपॉन वन बाई थ्री मतलब ऊपर जाने के बाद कितना मिला माइनस थ्री, फिर इधर कंसेप्ट किया। तो देखो पहले से लेट एल वन एंड एल टू बी द टू लाइंस पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 कॉमा 3 एंड देन दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू दिस वन, ये क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो सबसे पहले हमने ए लाइन का स्लोप निकाले, ए लाइन का स्लोप और ए लाइन का स्लोप जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन के साथ से माइनस ए बाई बी माइनस बी बाई टू और इसका स्लोप क्या माइनस ए मतलब माइनस वन अपॉन माइनस थ्री मतलब मिलता वन बाई टू। अब एल वन एल टू ये दोनों लाइन को क्या है परपेंडिकुलर है, इसलिए देखो परपेंडिकुलर होने की वजह से देखो स्लोप ऑफ एल वन एंड एल टू स्लोप ऑफ एल वन एंड एल टू आर क्या मिलेगा इसका उल्टा, ये माइनस थ्री बाई टू है इसका उल्टा क्या कैसे देखेंगे माइनस वन अपॉन माइनस थ्री बाई टू माइनस माइनस प्लस उल्टा करके कितना प्लस का टू बाई थ्री एंड और इसका स्लोप वन अपॉन माइनस वन अपॉन वन बाई थ्री उल्टा करके कितना मिला माइनस थ्री। तो देखो एल वन का स्लोप मिल गया एल टू का स्लोप मिल गया ओके here we got the slope of L1 and slope of L2. L1 का slope कितना है 2 by 3 और L2 का slope कितना है minus 3. अब अपने को L1 का slope मिल गया 2 by 3 और L2 का slope मिल गया minus 3. तो देखो अब यदि हमको line L1 की equation निकालने का है तो line L1 का slope मालूम है और line L1 2 power 3 में से क्या है पास है, तो हम क्या करेंगे by using slope point form equation of L1 निकालेंगे। similarly By using slope point form, हम L2 की equation निकालेंगे। दोनों की equation निकालने के लिए निकालने के बाद दोनों का क्या करेंगे हम joint equation लेंगे। थोड़ा हम ये मिटाते हैं ना यहाँ पर क्या मिला देखो so, see here now what we got here also L1 slope मिल गया देखो slope of L1 L2 2 by 3 minus 3 respectively अनुक्रमित equation of L1 and L2 are the family formula of slope point form ka padho y minus y1 is equal to m into x minus x1 aur L2 equation ke liye same formula y minus y1 is equal to m into x minus x1 to yahan pe y minus y1 y1 matlab kitna hai 3 पहली लाइन का स्लोप L1 का स्लोप कितना है 4 प्लस L1 का स्लोप है 2 बाई 3 तो M पे जाएगी 2 बाई 3 x माइनस x1 x1 मतलब कितना है लाइन L1 की इक्वेशन एंड सिमिलरली y माइनस y1 y1 मतलब 3 L2 का स्लोप कितना है माइनस 3 x माइनस फिर तो हम इसको सॉल्व करो सॉल्व करने के बाद दो लाइंस मिलेंगे दोनों लाइन का क्या करेंगे अपन जॉइंट इक्वेशन निकालेंगे खत्म वेरी सिंपल वन तो ये क्या मिला पी वाई माइनस नाइन टू एक्स माइनस फोर एंड वाई माइनस थ्री माइनस थ्री एक्स प्लस सिक्स ये टर्म को देख गया ये क्या मिला तुम्हारे पास टू एक्स माइनस फोर माइनस का तीन वाई और ये प्लस कर लो इम्पोर्ट कितना एंड ये क्या मिली इसको देख क्या जो 3x minus 7 plus y minus 3 equal to 0 क्या है वो 2x minus 3y नौ में से 4 क्या plus का 5 equal to 0 and दूसरे लाइन क्या मिली 3x plus y minus 7 minus this ये अच्छे दो लाइन तो ये लाइन L1 की इक्वेशन है और ये लाइन L2 की इक्वेशन दोनों लाइंस मिलने के बाद दोनों को क्या करेंगे अपन जॉइंट इक्वेशन निकालेंगे तो थोड़ा बड़ा क्वेश्चन नो डाउट मगर सिंपल है therefore the joint equation is therefore the joint equation is the combined equation will be बोलो बोलो कंडीशन से भी therefore the combined equation is इतना हम combined equation एक लाइन 2x minus 3y plus 5
दूसरी लाइन पे x plus y minus 9 equal to 0। बस दोनों का मल्टीप्लिकेशन लेने का है, जो भी मल्टीप्लिकेशन आएगा वो तुम्हारे क्या रहेंगे उसका आंसर। देखो 2x into 3x 6x square plus 2xy minus 18x minus 9xy minus 3y square माइनस माइनस प्लस नौ त्रिक सत्तावीस वाई प्लस देंगे मल्टीप्लाई में तो फाइव फाइव से मल्टीप्लाई करो कितना मिला पाँच से पंद्रह एक्स प्लस पाँच वाई और नाइन नौ नाइन फाइव तक फोर्टी फाइव इक्वल टू सी सिस्टम निकली को तो तुम्हारी लास्ट इक्वेशन एल सी एल के देखो तो लास्ट इक्वेशन लास्ट आंसर मिलेगा सिक्स एक्स स्क्वायर दो एक्स वाई और फिर एक्स वाई चाहिए टू एक्स वाई में से नाइन एक्स वाई क्या टू एक्स वाई माइनस नाइन एक्स वाई माइनस सेवन एक्स वाई माइनस थ्री वाई स्क्वायर एक्स वाई टर्म देखो माइनस अठारह में से प्लस पंद्रह गया कितना मिला माइनस पच्चीस फिर उसके बाद सत्ताईस वाई प्लस पाँच वाई कितना मिला थर्टी टू वाई माइनस कितना 45 इक्वल टू थर्टी का लास्ट आंसर। थोड़ा बड़ा था मगर सिंपल था वेरी सिंपल वन इससे तो इट इज अ जॉइंट इक्वेशन अ कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन व्हिच आर पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 कॉमा 3 एंड व्हिच आर परपेंडिकुलर टू द लाइंस जो लाइंस टू द परपेंडिकुलर है उसके हिसाब से ठीक है। अब एग्जाम में ये क्वेश्चन कैसा आएगा तो एग्जाम में थोड़ा फिर आएगा सकता जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या हो गया लाइन समझो ये तो हो गया क्वेश्चन बोर्ड में था। अब ऐसा भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि समझो लाइन सिर्फ क्या चेंज करेगा पॉइंट चेंज करेगा टू कॉमा या फिर थ्री कॉमा टू उल्टा लाइन क्या में से पास है थ्री कॉमा टू में से पास है एल वन और ये थ्री कॉमा टू में से पास है और समझो ये लाइन को परपेंडिकुलर है एल वन परपेंडिकुलर है ये लाइन के फिर से क्लियर है क्वेश्चन और एल टू परपेंडिकुलर है ये लाइन के एल टू इसके बराबर ये आएगी एक्स प्लस थ्री वाई माइनस फोर इक्वल टू जीरो तो कंसेप्ट वही रहेगा। सबसे पहले तुम क्या करेंगे ये लाइन का स्लोप निकालेंगे बोलो ये लाइन का स्लोप कितना है माइनस ए बाई बी ए मतलब कितना है टू और बी मतलब कितना है वन तो ये लाइन का स्लोप कितना गया ये लाइन का स्लोप कितना गया माइनस टू थिंक लाइक ये लाइन का स्लोप बोलो आइडेंट सेम फार्मूला माइनस ए कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बी मतलब कितना है माइनस वन बाई तो देखो ये लाइन का स्लोप माइनस टू है और ये लाइन का स्लोप माइनस वन बाई थ्री एल वन ये लाइन के क्या है परपेंडिकुलर है तो लाइन एल वन का स्लोप स्लोप ऑफ एल वन इज इक्वल टू कितना माइनस वन अपॉन ये लाइन का स्लोप तो एल वन ये लाइन को बेस के परपेंडिकुलर है तो माइनस वन अपॉन ये लाइन का स्लोप मतलब कितना है वन बाई टू और सिमिलरली स्लोप ऑफ एल टू एल टू ये लाइन के परपेंडिकुलर है तो फॉर्म में क्या मिलेगा माइनस वन अपॉन थ्री लाइन का स्लोप माइनस वन बाई थ्री माइनस वन इज बिकम प्लस वी वांट इट थ्री तो आगे भी सेम कांसेप्ट एल वन का स्लोप मिल गया वन बाई टू एल टू का स्लोप मिल गया थ्री तो एल वन एल टू कैन से पास है थ्री पावर टू में से सिर्फ यहाँ पे फर्क आएगा वाई माइनस वाई वन मतलब कितना मिला टू वही लाइन का स्लोप कितना है वन बाई टू एक्स माइनस एक्स वन मतलब कितना एक्स माइनस थ्री सिमिलरली यहाँ पे y माइनस फाइव मतलब y माइनस टू और स्लोप कितना है तुम्हारे पास थ्री इंटू एक्स माइनस एक्स का मतलब कितना एक्स माइनस थ्री इनको सॉल्व करके अगेन ऐसा अपन इक्वेशन निकालेंगे एल वन की इक्वेशन एल टू की इक्वेशन दोनों का क्या करेंगे बोल दैट क्लियर। तो क्वेश्चन में सिर्फ फर्क क्या आएगा यहाँ पे एक तो पासिंग थ्रू द पॉइंट चेंज करेगा या फिर ये दो लाइन चेंज करेगा मगर कंसेप्ट दोनों में कैसा है यस बोलो इज दैट क्लियर एज फॉर मी Yes, tell me. Is that clear? Yes. अब देखो और एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए खास तौर से बताता है यहाँ पे कि समझो कभी ऐसा आ गया ओके वेरी गुड अब समझो कभी ऐसा आ गया कि लाइन L1 L2 सेम पॉइंट में से पास है और ये दो जो है ये लाइन्स क्या है ये दोनों लाइन्स के क्या है पैरेलल है अभी तक क्या थे वो परपेंडिकुलर है समझो ये दो लाइन्स
L1 L2 3,2 में से पास है, और समझो ये लाइंस क्या है, ये BA वाले दो लाइंस को क्या है, पैरेलल है। तो खाली फर्क क्या रहेगा, तुमको ये कैसे मालूम है, परपेंडिकुलर रहे तो माइनस वन अपॉन वो लाइन का स्लोप, और पैरेलल रहे तो दोनों का स्लोप क्या रहता है सेम। तो तुम सिर्फ क्या करेंगे, ये लाइन का स्लोप माइनस टू, तो L1 का भी स्लोप क्या रहेगा माइनस टू, क्योंकि ये दोनों L1 और ये लाइन एक दूसरे क्या है पैरेलल, इसका स्लोप क्या है यहाँ पे पैरेलल अगर से है तो इसका स्लोप कितना आएगा सेम स्लोप, और स्लोप ऑफ L2 L2 भी ये लाइन के पैरेलल है, इसका भी स्लोप क्या रहेगा माइनस वन रहेगा। तो पैरेलल रहे तो दोनों का स्लोप क्या रहेगा सेम, सिर्फ परपेंडिकुलर रहा तो स्लोप में क्या रहेगा बदल रहेगा, ये बात याद रखो। बातों का कंसेप्ट सेम है, ये तुम्हारा इज द स्लोप ऑफ एन, मतलब कितना मिला तुम्हारे पास माइनस टू, सो y माइनस फाइनल इज इक्वल टू n इनटू x माइनस x कॉस, अगेन इसमें रखने का दोनों लाइन की इक्वेशन निकाल लेता हूं और फिर कोई ओ इन शॉर्ट वेरी क्लियर, वेरी ऑल द टू लाइंस आर पैरेलल देन द स्लोप ऑफ लाइन आर द सेम, एंड व्हेनेवर द टू लाइंस आर परपेंडिकुलर देन द प्रोडक्ट ऑफ स्लोप इज इक्वल टू कितना माइनस 1, ये बात याद रखो। ठीक है, अब एक मान लीजिए मोर प्रिसाइज के बारे में, तो इसमें कंफ्यूज हो रहे, जैसे कि फॉर एग्जांपल एकदम तुम्हारे समझ में आया थी, देखो कैसा L1 का स्लोप समझो 2/3 है, ठीक है, वो कैसे एकदम समझ में आया थी, और L2 का स्लोप निकालेगा है और दोनों दूसरे को क्या है परपेंडिकुलर है। कंसेप्ट क्या बता रहे, देखो समझ के लो, कंसेप्ट वही है, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, L1 का स्लोप 2/3 और L2 का मालूम नहीं है, तो L2 का स्लोप कैसे निकालेंगे, स्लोप ऑफ L2 क्या फॉर्मूला, माइनस वन अपॉन ये लाइन का स्लोप माइनस वन अपॉन 2/3, मतलब कितना उल्टा करेंगे तो कितना माइनस 3/3, एकदम सिंपल। जब भी दो लाइन एक दूसरे को परपेंडिकुलर रहेंगे और उसमें से एक लाइन का स्लोप अगर से मालूम है तो सिमिलरली तुम दूसरे लाइन का स्लोप कैसे निकाल सकते हैं, माइनस वन अपॉन जिसका मालूम है वो स्लोप उसको डिविजन लेके जाओ, माइनस वन अपॉन 2/3 उल्टा करेंगे तो कितना मिलेगा माइनस 3/3, निकालने का ना तो माइनस वन अपॉन ये लाइन का स्लोप, और अगर से पैरेलल है तो दोनों लाइन का स्लोप क्या रहेगा सेम, और परपेंडिकुलर रहा तो ये कंडीशन माइनस वन अपॉन हो जाएगा। Passing from 7th bar is passing from -1, 2, 1 is parallel to, इसमें से एक जो है वन इज पैरेलल टू एक्स प्लस 3y -1 = 0 एंड other is perpendicular to and other is perpendicular to, so the length of perpendicular is 2x minus 3y minus 1 equal to 3, so I get function same type of question hai, par kya apni jo line hai wo minus 1 comma 2 mein se pass hai, theek hai, usme se ek line apan jo do lines L1 L2 hai, तो एक लाइन ये लाइन के क्या है पैरेलल है, और जो दूसरी लाइन है वो लाइन जो है और जो दूसरी लाइन है अदर लाइन इसको क्या है वो परपेंडिकुलर है। तो हमारे कांसेप्ट क्या होता है, जब भी दो लाइंस पैरेलल है व्हेनेवर द टू लाइंस आर पैरेलल देन द स्लोप ऑफ द लाइन आर सेम, एंड व्हेनेवर द टू लाइंस आर परपेंडिकुलर देन द प्रोडक्ट ऑफ स्लोप इज इक्वल टू माइनस 1। तो ठीक है, सो प्लीज तो सबसे पहले L1 L2 माइनस वन कॉमर टू में से पास है और वो ये लाइन की क्या है पैरेलल है, सबसे पहले तुम ये लाइन का स्लोप निकालेंगे, तो स्लोप ऑफ दिस लाइन इज नथिंग बट माइनस वन
ये माइनस का मतलब स्लोप ऑफ फॉर्मूला तुमको मालूम है ना, माइनस ए बाई बी। तो ये कौन सी इक्वेशन है? जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन। जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन में स्लोप का फॉर्मूला माइनस ए बाई बी। तो फॉर्मूले का माइनस ए मतलब एक्स का कोएफिशिएंट 1 और बी मतलब वाई का कोएफिशिएंट, ये होगा माइनस 1 बाई। तो नाउ एल वन जो माइनस वन का मतलब से पास है इसको पैरेलल है, तो स्लोप ऑफ एल वन क्या मिलेगा तुमको? सेम माइनस वन बाई थ्री। दोनों का स्लोप क्या रहेगा? सेम, क्योंकि दूसरे को क्या है? पैरेलल है। अब ये लाइन का स्लोप एम इज इक्वल टू माइनस ए बाई बी, ए मतलब 2 और बी मतलब कितना है? माइनस 3, मतलब ये लाइन का स्लोप कितना है? 2 बाई 3। अब ये लाइन का स्लोप 2 बाई 3 है, मगर दूसरी लाइन मतलब कौन? एल 2, इसको क्या है? परपेंडिकुलर है। तो स्लोप ऑफ एल टू क्या रहेगा बोलो? अभी बताया मैंने परपेंडिकुलर है, तो स्लोप तुम क्या करेंगे? माइनस वन अपॉन ए लाइन का स्लोप। तो स्लोप ऑफ कितना है? माइनस 3 बाई 2। उल्टा करने से कितना है? माइनस 3 बाई 2। अब देखो एल वन का स्लोप मालूम है माइनस 1 बाई 3 और एल वन जो है ये पॉइंट में से पास है। अगेन स्लोप पॉइंट फॉर्म का यूज करके तुम क्या निकालेंगे? एल वन की इक्वेशन, राइट है। अगेन एल टू का स्लोप मालूम है और एल टू फिर से माइनस वन कॉमा टू में से पास है, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म का यूज करके टाइम करेंगे एल टू की इक्वेशन, और फिर बाद में दोनों की इक्वेशन निकालने के बाद दोनों को क्या करेंगे? कंबाइंड इक्वेशन, या फिर दोनों को क्या करेंगे? जॉइंट इक्वेशन। इज दैट क्लियर? वेरी सिंपल। जितना बताया मैंने तुमको शॉर्ट में, सिर्फ यही अपने को क्या करने का? सिस्टमेटिक लिखने का है। तो देखो एकदम सिंपल। So, दो लाइन बिगने का आप लिए, और दो लिए, L1 भी दा लाइन, पासिंग थ्रू, माइनस 1, कॉमा 2, एंड पैरेलल टू द लाइन x प्लस 3 वाई माइनस इक्वल इक्वल टू 0 कॉमा और ये पैरेलल है ये लाइन के, इसका स्लोप कितना है? माइनस 1 बाई 3। इसलिए देखो स्लोप ऑफ एल वन इज क्या रहेगा? दोनों का स्लोप क्या रहेगा? सेम। तो एल वन ये लाइन के क्या है? पैरेलल है। तो डायरेक्ट हम क्या निकालेंगे? इक्वेशन ऑफ एल वन फुल फॉर्मूले क्या है? वाई माइनस वाई वन, वाई वन मतलब कितना है? एक्स वन ये वाई वन है, तो वाई वन कितना है? 2। स्लोप कितना निकाले? 1 बाई 3। स्लोप कितना है? माइनस 1 बाई 3। एक्स माइनस एक्स वन फॉर्मूले का माइनस और एक्स वन ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस माइनस बिकम प्लस। या फिर तुम्हारी एक फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ पे, और जो फॉर्मूला n into x minus x1 है, तो खाली y1 मतलब 2, स्लोप आया 1 by 3, x minus x1 already minus 1 है, minus 1 है क्या? कौन तो? ये कितना मिला? 3y minus 6 minus स्लोप अंकों को minus 6 minus 1 कितना देखा? x plus 1 plus 3y minus 6 equal to 0, right? x प्लस वन प्लस थ्री वाई वन इसको फिर फुल लिखेंगे एक्स प्लस थ्री वाई, एक में से छः गया माइनस का 5 इक्वल टू। तो ये आगे एल वन की इक्वेशन, इट इज द इक्वेशन ऑफ एल वन, एक्स प्लस थ्री वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। यहाँ पे लिखो जरा साइड में एल वन की इक्वेशन, जो तो फिर अपन एल टू की निकालेंगे। इक्वेशन ऑफ एल वन इज इक्वल टू एक्स प्लस थ्री वाई माइनस 5 इक्वल टू, ठीक है। अब सेम कॉन्सेप्ट से तुम क्या निकालेंगे? एल टू की इक्वेशन। अब एल टू किस निकालेंगे? सेम, लेट एल टू बी द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट एंड पैरेलल की जगह पे क्या है वो? परपेंडिकुलर टू द लाइन, लाइन भी बदल ली गई 2x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0, वो स्लोप इज, इसका स्लोप कितना है? माइनस ए बाई बी, मतलब कितना? 2 बाई 2, ठीक है। Therefore, slope of L2, L2 उसको क्या है? Perpendicular, तो फॉर्मूला क्या रहेगा? माइनस 1 अपॉन 2 बाई 3, मतलब कितना? माइनस 3 बाई 2। Therefore, equation of L2 is same formula, I only say, slope बदल गया,
formula minus 3 by 2 equal to the 2y minus 4 minus open करो minus 3x minus 3 इधर लेके आ जाओ formula 3x plus 3 plus 2y minus 4 equal to 0 last we got here 3x plus 2y 3 में से चार के minus 7 equal to 0 ये अपने पास l2 की equation L1 की इक्वेशन मालूम है, L2 की इक्वेशन मालूम है, दोनों का क्या निकलेंगे तो जॉइंट इक्वेशन, मतलब दोनों की लाइन का प्रोडक्ट इज इक्वल टू जीरो। सो व्हाट वी कैन राइट इज देयरफॉर देयरफॉर द कंबाइंड इक्वेशन इज क्या है पहली लाइन x plus 3y minus 5 दूसरी लाइन 3x plus 2y minus 1 equal to 0 बस अब दोनों को मल्टीप्लिकेशन करेंगे ये टर्म के साथ तीनों को मल्टीप्लाई ये टर्म के साथ तीनों को